ये जैक वैली ट्रॉली है और जो सारा पट्टा है एक ही बार ट्रॉली से बाहर आ जाएगा और लोडर की सहायता के साथ आगे करके ट्रैक्टर से प्रेस कर देंगे ताकि जो सारी एयर है साइड में से निकल जाए। और एक ट्राली गिरने के बाद इसके ऊपर निकोलेंट की स्प्रे हो जाएगी ताकि साइलेज खराब ना हो और बनने की प्रक्रिया जल्दी स्टार्ट हो जाए। जैक्वरी ट्रॉली के साथ लेबर की इतनी ज़रूरत नहीं होती, सारा साइलेज अपने आप पिट में गिर जाता है। ये सारा पट्टा जो सेंटर में है लोडर की सहायता में पूरा पिट की साइड साइड में भी लगा देंगे और ये जगह पे मिट्टी आ गया है तो यहाँ तूड़ी डालेंगे ताकि मिट्टी साइलेज में मिक्स ना हो, जैसे इधर तूड़ी जो है नीचे डाली हुई है मिट्टी के ऊपर, ताकि जब भी हम गाय को साइलेज खिलाएं तो मिट्टी साथ में बिल्कुल ना जाए। जी अब तूड़ी लेके आया है आदमी, तो जहाँ जहाँ मिट्टी है वहाँ तूड़ी खिलार देंगे अच्छे से। ट्रैक्टर के टायर से जो मिट्टी है वो निकल कर ऊपर आ जाती है तो फिर इसको तूड़ी से अच्छे से ढक देंगे ताकि साइलेज में मिट्टी मिक्स ना हो। ऐसे जो सेंटर में पूरा साइलेज है लोडर की सहायता से साइड में लगा देंगे, आगे तक लेके जाएंगे। जैक वाली ट्राली हो लोडर हो तो साइलेज पाना बहुत आसान रहता है और लेबर की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। तरीके से हम अपना जो मट्टी का साइलेज है गांव के लिए अपने पशु के लिए डालते हैं, अपने पानी की गायों के लिए। ऐसी और फार्म से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को कीजिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन का बटन दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ऐसे जब लोडर के साथ जो पट्टा ऊपर जाता है तो साथ में साइलेज की प्रेसिंग भी होती रहती है और बाद में वो जो बड़ा ट्रैक्टर लगा हुआ है इसके साथ हम इसकी प्रेसिंग करते हैं ताकि सारा साइलेज जो एयर टाइट हो जाए, इसमें जो एयर है सब निकल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।